पैसा पैसा पैसा। जी हाँ दोस्तों, आजकल हर कोई पैसा कमाना चाहता है, हर कोई अलग अलग तरीके से पैसा कमाता है। कोई ऑनलाइन कमाता है, कोई ऑफलाइन कमाता है, कोई पैसा लगा के पैसा कमाता है, तो कोई अपनी हुनर, अपनी स्किल और अपने दिमाग से पैसा कमाता है। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 10 बेस्ट वे टू मेक मनी ऑनलाइन, जिससे कि आप एक अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों लास्ट तक ये वीडियो देखिए, और वीडियो के लास्ट में मैं आपको दो ऐसे बिजनेस आइडियाज़ दूंगा, मेरे खुद के एक बिजनेस आइडियाज़ दूंगा जो कि आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं और एक अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो आप लास्ट तक वीडियो ज़रूर से देखना। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल मोब ट्रिक्स। तो दोस्तों ये सारे जो मैं आपको ऑनलाइन बिजनेस करने के बताऊंगा, ऑनलाइन अर्निंग करने का सोर्स बताऊंगा, तो उसमें देखो भाई, बिना या फिर पैसे से पैसा कमा लो या फिर दिमाग से पैसा कमा लो, तो ये सारी चीज़ें बिना इन्वेस्टमेंट वाली हैं। आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, आपको अपनी स्किल होनी चाहिए और पैसा होना चाहिए, और उसके साथ ही पेशेंस भी होना चाहिए। तो पेशेंस के बगैर कुछ होने वाला नहीं है, रातों रात कुछ होता नहीं है, तो ये आपको भी मालूम है। तो फिर चलिए हमारी शुरुआत करते हैं। तो फर्स्ट है फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इसकी इंडस्ट्री ग्रो होने वाली है और आगे चल के बहुत इसकी डिमांड होने वाली है। अभी भी डिमांड है, आगे तो और भी डिमांड होने वाली है। तो आप भी एक फ्रीलांसर बन सकते हैं। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप फ्रीलांसर के रूप में रजिस्टर हो सकते हैं, और वहाँ पे आपकी जो भी स्किल है उससे आप अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हैं। फिर स्किल वो चाहे आपकी वीडियो एडिटिंग करने की हो, चाहे कोई राइटिंग की हो, या फिर वॉइस ट्रांसलेशन की हो, या फिर आपकी आवाज़ अच्छी है, आपको वॉइस ओवर देना है किसी पे, वो स्किल, मतलब जो चाहिए वो स्किल आपके अंदर है, तो आप एक रजिस्टर कर सकते हैं फ्रीलांसर के रूप में और अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हैं। दूसरा है दोस्तों YouTube। जी हाँ दोस्तों, YouTube एक बहुत बड़ा इनकम सोर्स है ऑनलाइन का, जिससे कि आप एक मोटी रकम जनरेट कर सकते हैं ऑनलाइन से। आपको क्या चाहिए? आपको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक स्मार्टफोन रहेगा आपके अंदर, एक मतलब कोई भी टॉपिक, कोई भी कैटेगरी के रिलेटेड एक पैसन होना चाहिए कि हाँ मुझे ये कैटेगरी सीखने में भी मज़ा आता है और सिखाने में भी मज़ा आता है। तो आप उस तरीके से एक चैनल क्रिएट कर सकते हैं, और फिर जब आप वीडियो अपलोड करेंगे, वीडियो के आगे जो एड्स आती है उस पर जब क्लिक होगा तो आपको इनकम मिलेगी और आप पैसा कमा सकेंगे YouTube से। तो YouTube बहुत ही अच्छा चल रहा है दोस्तों, और बेस्ट वे है, मेरे हिसाब से बेस्ट वे है ऑनलाइन अर्निंग करने का। अगली चीज़ है दोस्तों ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग तो एकदम छाने वाला है आने वाले टाइम में, क्योंकि ड्रॉप शिपिंग में आप बगैर किसी इन्वेस्टमेंट के पैसा कमाते हैं। तो आपको करना क्या है, अगर आप जैसे मान लो अमेजोन पे कोई अपना प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा कि पहले प्रोडक्ट को खरीदना पड़ेगा, अपने स्टोर करना पड़ेगा, फिर जब उसकी बिक्री होगी, ऑर्डर आएगा, तब आप उसको ऑर्डर करना पड़ेगा, मतलब आपको पहले पैसा फंसाना है। लेकिन अगर आप ड्रॉप शिपिंग वाला बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको Shopify पे जाके पहले अपना एक स्टोर क्रिएट करना है, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, आपको आजू बाजू में जो आपके होलसेलर हैं या फिर रिटेलर हैं उनसे जाके टाई अप करना है, बातचीत करनी है कि भाई मैं आपसे प्रोडक्ट खरीदूंगा, ऐसा खरीदूंगा, मेरे को ये भाव में दे, तो वो आपको देने को राजी होंगे। राजी नहीं होंगे तो भी आपको मेहनत तो करना ही है, आपको राजी करना है उनसे उनको, और फिर उसके बाद क्या करना है, वो प्रोडक्ट को लिस्ट करना है अपने स्टोर पे, फिर उस प्रोडक्ट की मार्केटिंग भी खुद ही करनी है भाई, मार्केटिंग करनी है उसका। आप फेसबुक पे मार्केट कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सअप पे आपके ग्रुप में, या फिर फेसबुक ग्रुप पे मार्केट कर सकते हैं, या फिर अपने फेसबुक की जो मार्केटिंग कंपनी है पेड मार्केटिंग, आप वो भी चला सकते हैं। और फिर जब आपका प्रोडक्ट का ऑर्डर आएगा तो आप जाइए उधर से खरीदिए और इधर पैक करके भेज दीजिए, पैसा अपनी जेब में। तो इस तरीके से ड्रॉप शिपिंग बिजनेस चलता है। तो आप ड्रॉप शिपिंग बिजनेस ज़रूर से स्टार्ट कर सकते हैं, अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हैं। अगला है इनकम सोर्स एफिलिएट मार्केटिंग। जब एफिलिएट मार्केटिंग की बात करता हूँ तो लोगों को ऐसा लगता है कि मैं एक वेबसाइट होनी चाहिए, एक ब्लॉग होना चाहिए, या फिर एक कोई ऐसा जमा या प्लेटफॉर्म होना चाहिए जिसपे हम एफिलिएट लिंक लगा सकें और एफिलिएट मार्केटिंग कर सकें, या फिर हमको एफिलिएट मार्केटिंग का एक्सपर्ट होना चाहिए वगैरह वगैरह। तो ऐसा कुछ नहीं, आप एक फ़न के रूप में लीजिए एफिलिएट मार्केटिंग को। जैसे कि हमारे इंडिया में बहुत सारे फेस्टिवल्स आते हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे ओकेजन्स आते हैं जिसमें कि लोग कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो कि खरीदते ही खरीदते हैं, ऐसे तो है ही। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप वो फेस्टिवल या फिर वो मतलब कुछ आने से पहले आप क्या कर सकते हो, उसके 10 दिन पहले ही आप जाके अमेजोन से जो जो चीज़ें ज़्यादा बिकने वाली हैं उसको आप चूज़ के उसका एफिलिएट लिंक लेके, फ़ोटो वगैरह लेके आप व्हाट्सअप पर फैला सकते हैं, फ़ोटो के नीचे अपनी लिंक। तो बस क्या करेगा, जब बंदा उसको जाएगा अमेजोन पे देखेगा और उसको अपने कार्ड में ऐड कर लेगा, भले ही वो नहीं खरीदता है, अगर वो 10 दिन बाद खरीदेगा, 1 महीने बाद भी खरीदता है आपके कार्ड से,
तो भी आपको उसका कमीशन मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, तो भी आपको कमीशन मिलेगा। अगर आपने अगर वो बंदा वो प्रोडक्ट नहीं खरीदता, दूसरा कोई प्रोडक्ट खरीदता, तो भी आपको कमीशन मिलेगा। तो इस तरीके से आप व्हाट्सएप ग्रुप का अपने इस्तेमाल करके एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। फिर आपको इसमें इंटरेस्ट हो रहा है तो आप आगे जाके इसमें बढ़ सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें घुस सकते हैं उसमें। तो ऑनलाइन अर्निंग की बात हो और हम ब्लॉगिंग को भूल जाएं, ऐसा नहीं हो सकता यार। तो ब्लॉगिंग भी बहुत ही अच्छा बूम पकड़ने वाला है, और बूम क्या पकड़ने वाला, बूम पकड़ चुका है, तो इस बूम का आप फायदा ले सकते हैं। लेकिन ब्लॉगिंग में भी आपको, अगर ब्लॉगिंग के क्षेत्र में जा रहे हैं तो आपको क्या होना चाहिए, आपको एक मेन कैटेगरी चूज करनी होगी। जैसे कि अगर ब्लॉगिंग में मैं एक वेबसाइट अपनी बनाता हूँ ब्लॉगिंग वाली, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, तो इसमें बहुत सारे लोग घुसे रहेंगे। अगर मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन इन इंडिया, अब इंडिया कर दिया तो इसमें थोड़े कम लोग घुसे होंगे। अगर मैं ऐसा कर देता हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन इन इंडिया बाय एफिलिएट मार्केटिंग, अब हमारी जो वेबसाइट है सिर्फ एफिलिएट मार्केटिंग का ही बता रही है, बाकी और सब चीज़ नहीं, तो इसमें हमारे चांसेस हो जाएंगे ऊपर आने के सर्च रिजल्ट में भी, और लोगों को भी जो आएंगे हमारी वेबसाइट्स पे ब्लॉगिंग पढ़ेंगे उनको ऐसा लगेगा कि यार मैं तो एफिलिएट मार्केटिंग का एक्सपर्ट हूँ, मुझे बहुत सारी चीज़ें आएँ क्योंकि मेरी पूरी वेबसाइट उसी नीच पे है। तो आप इस तरीके से काम कर सकते हैं, और इसके साथ ही आप एडसेंस एडवर्टाइजिंग से तो पैसा कमाएंगे, साथ में एफिलिएट के बारे में बता रहे हैं तो आप एफिलिएट लिंक भी देंगे वेबसाइट का, दूसरी वेबसाइट का, तो उससे भी आप इनकम जनरेट कर सकते हो। तो ये तो मैंने एक छोटा सा टॉपिक बताया, आप इसमें बहुत सारी अपने टॉपिक्स ढूंढ सकते हैं अलग अलग। तो अगला है दोस्तों फोटो सेलिंग का। फोटो सेलिंग आप कर सकते हैं बहुत सारी वेबसाइट्स है जहाँ पर आप अपनी फोटो को लिस्ट कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं। लेकिन जब मैं फोटो सेलिंग की बात करता हूँ तो लोगों को ऐसा लगता है कि मेरे पास एक हाई एंड कैमरा होना चाहिए, मुझे फोटो इस प्रोफेशनल होना चाहिए वगैरह वगैरह, दुनिया भर की चीज़ें आती हैं। लेकिन ऐसा नहीं, आप इसको एक फ़न के रूप में ले सकते हैं, मोबाइल फ़ोन तो सबके पास रहते हैं यार, तो आप इसको फ़न के रूप में ले सकते हैं। या फिर आप कोई कोई ग्राफिक डिज़ाइनर है तो उसकी एक एनिमेशन वाली फ़ोटो क्रिएट कर सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं कोई भी आइडिया, जैसे कि मैं आपको अभी 2-3 फोटो दिखा रहा हूँ, उसमें आप देखिए इसमें क्या है। तो दोस्तों ये सारी फोटोज़ में क्या है, सिर्फ एक आइडिया है उसको दर्शाया गया, मतलब ये फ़ोटो कुछ कह रही है आपसे। तो इस तरीके से स्पेशल वर्ड्स स्पेशल टॉपिक पे आप कोई एक फ़ोटो क्रिएट कर सकते हैं, जिससे कि क्या होगा कि जो भी लोग होंगे तो इस तरीके की फ़ोटो वो लोग खरीदते हैं, पसंद करते हैं इस तरीके की फ़ोटो। आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको एक फैशन फोटोग्राफर बनना है, आपको पोर्ट्रेट फ़ोटो खींचनी है या फिर आपको लैंडस्केप फ़ोटो खींचनी है, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। ये सारी फ़ोटो की बहुत डिमांड है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, आप इस सारी फ़ोटोज़ को आसानी से सेल कर सकते हैं और बहुत अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो अगला दोस्तों है OLX। अब आप सोचेंगे कि OLX से कैसे पैसा कमाएंगे, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं मेरी स्टोरी कि जब मैं YouTube वगैरह कुछ नहीं करता था और मुझे मोबाइल्स का बहुत अच्छा नॉलेज था, मतलब मोबाइल्स कौन सा मोबाइल किस टाइम पे लॉन्च हो रहा है, क्या फीचर्स है, कौन सा फीचर नया आ रहा है और कौन सा मोबाइल किस प्राइस पे बिक रहा है OLX पे, तो ये सारी चीज़ें मैं हमेशा देखते रहता था और मुझे अच्छा लगता था। तो मैं क्या करता था कि मतलब जो मोबाइल 5,000 में बिक रही है तो मैं उसको अगर कोई बंदा कम में बेच रहा है, कोई ऐसी डील आ गई तो फटाक से उसको खरीद लेता था। ऐसे मैंने खरीदा था एक 5,000 का मोबाइल सैमसंग का, उसको मैंने एक हफ्ते यूज किया, फिर उसके बाद 5,500 में बेच दिया। फिर ऐसे ही एक HTC का मोबाइल खरीदा एक हफ्ते बाद 5,500 में खरीदा, फिर एक हफ्ते बाद 6,500 में बेच दिया। इसी तरीके से मैंने 2-3 मोबाइल ऐसे ही मतलब खरीदा बेचा, और इससे आप एक पार्ट टाइम इनकम जनरेट कर सकते हैं। अगर आप एक स्कूल के बंदे हैं, स्टूडेंट हैं, तो आप इसको पार्ट टाइम एक इनकम जनरेट कर सकते हैं और मज़ा कर सकते हैं। तो दोस्तों अगला इनकम सोर्स हो सकता है आपका Udemy। Udemy दोस्तों एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपने कोर्सेज को सेल कर सकते हैं। अब देखो दोस्तों, हमको मुझे समझ लो नॉलेज है एंड्रॉयड डेवलपमेंट से, मैंने एंड्रॉयड डेवलपमेंट सीखा है। अब मैं क्या करूंगा कि एंड्रॉयड डेवलपमेंट की एक सीरीज लॉन्च कर दूंगा, एक कोर्स बना दूंगा, जैसे जिससे कि मतलब लोगों को सीखने में आसानी हो, तो मैं वो कोर्स को डाल दूंगा Udemy पे, और Udemy जब कोई बंदा आएगा वो कोर्स खरीदेगा तो Udemy मेरे को भी कमीशन देगा। कमीशन क्या, कमीशन वो लेगा, पैसा मुझे देगा। तो इस तरीके से आप Udemy पे सेल कर सकते हैं, आपका कोई भी नॉलेज है, आपको किसी कोर्स के बारे में अच्छा नॉलेज, आप लोगों को अच्छा सिखा सकते हैं, आपकी सिखाने की स्किल अच्छी है, तो आप Udemy पे जाइए। और मैं आपको बता दूं कि ऑनलाइन अर्निंग नहीं, लर्निंग, ऑनलाइन लर्निंग का भी बूम होने वाला है और बहुत सारे लोग स्विच करने वाले हैं ऑनलाइन लर्निंग पे, क्योंकि दोस्तों अब कॉलेज और स्कूल में तो पढ़ाई होने से रही, अच्छी पढ़ाई होने से रही, तो आप ऑनलाइन लर्निंग पे, अर्निंग आ रहा है, ऑनलाइन
ऑनलाइन लर्निंग पे बहुत सारे लोग स्विच होने वाले हैं, तो आप भी ऑनलाइन लर्निंग के लिए अपने कोर्सेज को सेल कर सकते हैं ये सारे प्लेटफॉर्म्स पे। तो दोस्तों आगे मैं आपको जो दो इनकम सोर्स बताने वाला हूँ ऑनलाइन अर्निंग के, ये मेरे खुद के मतलब पॉइंट है और ये ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, लेकिन आपको खुद खड़ा करना पड़ेगा, खुद से ही बिजनेस करना पड़ेगा, ये बिजनेस आइडिया है। तो ये है अगला ASEO, Amazon सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। Amazon तो कितना बड़ा इंडस्ट्री है और कितना बूम पकड़ रहा है इसमें, ये तो आपको मालूम ही है। तो आप क्या कर सकते हैं कि इसमें बहुत सारे सेलर्स रहते हैं जिनको अच्छी तरीके से प्रोडक्ट की लिस्टिंग करनी नहीं आती, वो ना तो अच्छा कीवर्ड डालते हैं, ना तो अच्छा डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, ना तो अच्छा बुलेट पॉइंट लिखते हैं, मतलब कोई भी काम अच्छे से नहीं करते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, उनको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं कि भाई तेरा प्रोडक्ट का भी अच्छा है, तेरा प्रोडक्ट मेरे में, लेकिन तूने ना ये काम गलत किया है। उनको डायरेक्ट बताना ये काम गलत किया, मैं तेरा काम सुधार के देता हूँ, मेरे को इतना रुपया चाहिए। अगर वो बंदे को प्रॉफिट होगा तो ज़रूर से तुमसे काम करवाएगा, और मैं तो ये बोलता हूँ कि वो आपसे नया प्रोडक्ट जब लिस्ट कराने लगेगा तो भी तुमसे ही सारे वो बुलेट पॉइंट, कंटेंट, डिस्क्रिप्शन, सारी चीज़ें तुमसे ही करवाएगा। तो आप एक तरीके से अच्छा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं बगैर किसी इन्वेस्टमेंट के, और सारी चीज़ें ऑनलाइन होंगी तो आपको कोई ऑफलाइन का टेंशन नहीं है। तो अगला जो बिजनेस आइडिया है वो इसी से ही रिलेटेड है, क्योंकि अगर मान लो कि आप एक स्टूडेंट हो, एक स्टूडेंट मान के चलो, तो हमारी स्टूडेंट मतलब क्लास में, स्कूल भर में, कॉलेज भर में पहचान बहुत रहती है। तो हमने क्या किया, एक 20-25 लड़कों का एक ग्रुप बना लिया। अब मैं आपको बता दूं कि Amazon पे जो भी प्रोडक्ट लिस्ट होते हैं उसमें रिव्यू बहुत ही मायने रखते हैं। जितना प्रोडक्ट के ऊपर अच्छा रिव्यू रहेगा उसको सर्च में भी ऊपर आता है वो, और उस पर सेलिंग भी ज़्यादा होती है, क्योंकि कोई भी बंदा कुछ भी प्रोडक्ट खरीदता है तो उसका रिव्यू ज़रूर देखता है। रिव्यू बहुत 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 मायने रखता है किसी भी प्रोडक्ट के लिए Amazon पे। तो आप क्या कर सकते हैं, Amazon ने Flipkart भी, तो आप क्या कर सकते हैं, आप 20-25 लड़कों का एक ग्रुप बना के आप क्या कर सकते हैं कि जो सेलर है उसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं कि भाई मैं तेरा प्रोडक्ट खरीदूंगा, उस प्रोडक्ट पर रिव्यू दूंगा, क्योंकि प्रोडक्ट खरीदने के बाद जो रिव्यू आता है वो एकदम एश्योर्ड रिव्यू रहता है। तो उस रिव्यू का मतलब बहुत क्वालिटी वाला रिव्यू रहता है, उस पर एश्योर्ड रिव्यू लिख के आता है। तो मैं प्रोडक्ट खरीदूंगा और उस पर रिव्यू दूंगा, फिर तेरा प्रोडक्ट रिटर्न कर दूंगा, आपको क्या करना होगा इसके बदले में मुझे कुछ पैसे देने होंगे। तो आप एक तरीके से इसमें ट्रस्ट के ऊपर काम ज़्यादा होगा। तो ये मैं एक ओवरऑल आइडिया दे दिया, आप इसको इसमें थोड़ा अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट करना होगा, इसमें लूप होल वगैरह ढूंढ के एक अच्छी तरीके से, मतलब दोनों तरफ विन विन सिचुएशन अगर आप क्रिएट कर देंगे तो आप एक अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हैं। और ज़्यादा नहीं, सिर्फ अपने कॉलेज ग्रुप से ही, आपको करना कुछ नहीं, प्रोडक्ट खरीदना है, एक अच्छा सा रिव्यू डालना है और फिर प्रोडक्ट को रिटर्न कर देना और पैसा अपनी जेब में। तो दोस्तों ये थे टॉप 10 बेस्ट वे ऑनलाइन अर्निंग करने के मेरे हिसाब से। आपको कोई एक नया आइडिया मालूम है, कुछ अच्छे इनकम सोर्स मालूम है तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना, और इनमें से कौन सा आप इनकम सोर्स आप अपनाने वाले हो उसको भी आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा नहीं अच्छा लगा कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक कर देना अच्छा लगे, तो नहीं अच्छा लगे तो डिसलाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल वाली बटन भी दबा देना। तो चलिए मिलते हैं अगले और भी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। गुड डे एंड टेक केयर।